नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज। राजनीतिक, फिल्मी हो या खेल जगत, अब झारखंड के युवा बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं और लोगों के सामने अपनी नई पहचान बना रहे हैं। आज हम आपको मिला रहे हैं झारखंड के फेमस एक्ट्रेस और मॉडल एंजल लकड़ा जी से। एंजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच, सभी को प्यार भरा जोहार और नमस्कार जी। आप अपने बारे बताइए सबसे पहले तो, कि आप इस फील्ड में आने के लिए किन से प्रेरित हुए और आपने क्या क्या काम किया? मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया था 2014 में, जब मैं क्लास 9th में थी। एंड सीरियसली मुझे ये मॉडलिंग क्या होता है, एक्टिंग क्या होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि मैं बस जो भी देखती थी तो वो टीवी में देखती थी और मुझे नहीं लगता था कि कभी मैं इस जगह पे आ पाऊँगी। तो इसके लिए मुझे इंस्पायर मेरे मामा जी ने किया है। तो वो मुझे नेशनल लेवल के शो के लिए तैयारी करवाए, तो मैंने फर्स्ट वो शो किया एंड आफ्टर डैट फिर मैंने एक्टिंग फील्ड में कदम रखा। आपने कहा नेशनल लेवल पर आपने तैयारी की, तो नेशनल लेवल पर आपने कौन कौन सा आपका ऐसा गाना या फिल्म जो भी रहा, और यहाँ झारखंड में आने के बाद में आपके कौन कौन से गाने थे जो फेमस हिट हुए? जी, मैंने जैसा कि मैंने बताया कि मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया, तो मैंने पहला पेजेंट जो किया था वो मिस खूबसूरत इंडिया था। तो वो मैंने पहला किया एंड उसके बाद फिर रांची में बहुत सारे पेजेंट्स किए, देन एक्टिंग फील्ड में आई। सबसे पहला मूवी मेरा था तोर बिना, उसमें मैंने कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पे काम किया था, नॉट एज अ लीड, लेकिन वो फिल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट हुई एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर रिस्पांस बहुत अच्छी आने लगी एंड सबसे ज़्यादा मुझे फेम जो मिला है वो मुझे मॉडलिंग करियर से मिला है एंड आफ्टर दैट एक्टिंग। तो दोनों ही मेरे लिए बेस्ट रहा है। तो अभी आप क्या कर रही हैं झारखंड में, कुछ फिल्म कर रही हैं, फिर आपकी अपकमिंग फिल्में क्या है, गाने क्या है, आप बताइए। मेरी अपकमिंग गाने हैं जो आने वाले हैं, फिल्मों के बारे में मैं नहीं बता सकती हूँ। इसलिए नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने कम से कम 8 से 9 फिल्में की है, जिसमें से बस एक फिल्म रिलीज्ड है, बाकी सारे के सारे फिल्म डब्बा बंद, क्योंकि यहाँ फिल्में बनती ज़रूर हैं लेकिन रिलीज़ नहीं हो पाती है जी। और मुझे इसमें लगता है कि बहुत सारी रीज़न है, यहाँ पे हमें प्रॉपर स्क्रीन नहीं मिल पाता है उस चीज़ के लिए। आपने कहा कि यहाँ पर डब्बा बंद, आपने बहुत सारे फिल्में किए जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुए, तो ये रिलीज़ नहीं होने के क्या वजह हो सकते हैं जो रिलीज नहीं हो पाया अब तक? रिलीज़ होने का वजह यही है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रीजनल सॉन्ग्स जो हम लोग करते हैं या फिर जो भी फिल्में बन रही हैं, वो प्रोड्यूसर्स या फिर यहाँ के आर्टिस्ट जितने भी हैं वो अपने दम पे कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है हमारे पास। तो बहुत सारी, जैसे कि मुझे ये पता है कि बाकी जगहों की भी रीजनल्स फिल्म बनती है, जैसे मैं अदर जगह की बात कर लूँ, साउथ हो गया, भोजपुरी हो गया, उड़िया हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, सारी जगह के गवर्नमेंट जो है वो अपने आर्टिस्ट को और अपने कल्चर को वो लोग बढ़ावा देते हैं और आर्टिस्ट लोग को भी थिएटर मिला हुआ है। और ऐसा है हर जगह की, कहीं हिंदी मूवी लगे या ना लगे, अपना कल्चरल मूवी लगना ही है, बट हमारे रांची में वो चीज़ नहीं है। तो मे बी ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है कि जिसके वजह से हम लोग मूवी रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे जो सिनेमा हॉल्स है, वहाँ पर जो यहाँ के क्षेत्रीय जो फिल्में हैं, गाने हैं, जो भी फिल्म है, अच्छे अच्छे फिल्म यहाँ बनते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन वो फिल्में जो यहाँ सिनेमा हॉल्स में, उनको नहीं दिखाया जाता है, जिस वजह से ये जो झारखंड के जो फिल्म है वो पीछे रह गया, आपका ये कहने का मतलब है। तो इस पर सरकार को क्या कुछ कदम, आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस तरह से इस जगत को मदद करनी चाहिए, सहयोग करनी चाहिए? मैं गवर्नमेंट से यही मांगती हूँ और यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में आया हुआ 6 ईयर्स हो रहा है, बट जिन लोगों ने अपना 20 से 25 साल इंडस्ट्री को दे दिया, उन लोगों ने भी आज तक कुछ नहीं पाया, ना गवर्नमेंट से आर्टिस्टों के लिए कोई फंड है। अभी कोविड में हम लोगों ने बहुत आर्टिस्ट को खोया है। आर्टिस्ट एक सबके लिए इंटरटेनर ज़रूर होता है, बट उनका भी लाइफ होता है, उनके भी फैमिली होते हैं, सबको देखना होता है सब कुछ, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि वो हम आर्टिस्टों के लिए सोचे,
और सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, क्योंकि हमारे बाद भी अपकमिंग जनरेशन होंगे, राइट? तो फिर मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को ये चीज़ मिले, क्योंकि हम कब तक इंडस्ट्री में है नहीं है उसका कोई पता नहीं। और मुझे ये भी पता है कि आर्टिस्ट कभी मरते नहीं हैं या फिर कभी पुराने नहीं होते हैं, लेकिन इस चीज़ का भी मुझे लगता है कि छोटे से लेके मतलब सेलिनिटी एज के लोग भी हैं यहाँ पे आर्टिस्ट, जिन लोगों को बहुत कुछ नहीं मिल पाता है। और कोविड में मतलब बहुत लोगों ने होप खो दिया, क्योंकि कहीं से उन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं था। मीन्स यहाँ जो भी आर्टिस्ट सामने आते वो अपने बलबूते आ गए, अपने बलबूते आते हैं। और आज मैं ये चीज़ खुद कहना चाहूँगी कि आज अगर हमारा कल्चर, हमारा नागपुरी इंडस्ट्री को अगर लोग जान रहे हैं, तो वो जिन लोगों ने ये काम को किया है या फिर जिन लोगों ने शुरुआत किया है और जो पुराने जो 20-25 साल से जो इंडस्ट्री को बना के रखे हैं, सिर्फ उनके वजह से ही आज नागपुरी हिट है। बट गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है इसमें। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती तो सारे आर्टिस्ट में भी अच्छे लाइफ जी रहे होते, लेकिन यहाँ पे आजकल सब लोग खुद के लिए काम कर रहे हैं और अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे किसी को प्रमोट करने के लिए कोई नहीं बैठा। एंजल जी, सरकार की बातें जो आप कह रहे हैं कि सरकार की ओर से कुछ सहायता या सपोर्ट नहीं मिलती है, तो ये बात सिर्फ आप अभी उठा रही हैं सवाल, या फिर कोई और पहले जो एक्ट्रेस उन लोगों ने कभी ये आवाज़ उठाई थी? ये हमारे बीच जैसे हम कभी आर्टिस्ट साथ में बैठते हैं या फिर बहुत लोग होती है, तो ये बात हमेशा होती है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये भी है कि ना यहाँ पे प्रॉपर हम लोगों को कोई मीडिया कवर करता है, और ना हमें कोई मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाता है, या फिर कभी कोई चार आर्टिस्ट को बैठा के भी इंटरव्यू ले ले, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहाँ की मीडिया भी ऐसी है कि हमें प्रॉपर कवरेज भी नहीं देती है, प्रॉपर मतलब कुछ भी नहीं मिलता है हम लोगों को। बाकी जगह की मैं देखती हूँ, न्यूज़पेपर हो गया या फिर उनका सोशल मीडिया अकाउंट हो गया, तो मैं देखती हूँ कि बाकी जगह के आर्टिस्टों को कितना मतलब सपोर्ट किया जाता है। बट हमारे झारखंड छोड़ दो, हमारे रांची में वो चीज़ नहीं है। और रांची में ही आर्टिस्ट ज़्यादा है और यहीं से वर्क ज़्यादा होता है जी। तो यहाँ के मीडिया अगर जब तक खुद सपोर्ट नहीं करेंगे यहाँ के आर्टिस्ट को, या फिर उनको कवर नहीं करेंगे, तो उनके बारे में पता कैसे चलेगा लोगों को? झारखंड के युवा या फिर बाहरी जो भी दूसरे राज्यों के युवा है जो इस जगत में आना चाहते हैं, फिल्मी जगत में, एक्ट्रेस या मॉडलिंग में, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? बेसिकली जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है, तब से इन सब चीज़ों की मतलब ये सब बहुत ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा चल भी रहा है। और बहुत लोगों का आजकल शौक हो गया है कि मुझे मॉडल बनना है, एक्ट्रेस बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को जगह दे रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोग मेहनत करें, ठीक है, जो आना चाहते हैं वो बढ़ चढ़ के मेहनत करें, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो आपको भी पता है कि मेहनत रंग लाती है, ठीक है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप कहीं अच्छे जगह जाके करो। अगर हमारा झारखंड में सपोर्ट नहीं मिलता है तो यहाँ पे कोई करियर नहीं है। मीन्स यहाँ कुछ उस टाइप का हो नहीं रहा है, यहाँ करने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सफ़र किया है। इवन 6 ईयर से देख रही हूँ, मैंने 200+ वीडियोज़ एल्बम्स किए, ठीक है, तो उससे लोग मुझे जान रहे हैं। फिल्में मैंने इतनी सारी की, मैंने इतना सारा टाइम दिया, मतलब बहुत कुछ, ना पेमेंट प्रॉपर मिलता है, ना कुछ भी प्रॉपर मिलता है, कुछ नहीं होता है। फिर भी हम चाहते हैं कि हम अपने कल्चर को आगे बढ़ाएं, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। तो मुझे तो लगता है कि मैंने इतना मेहनत किया और मैं जब इतना की हूँ, बट मैं उस जगह पे नहीं पहुँच पाई जहाँ पे मुझे अभी तक रहना चाहिए। 6 साल मान्य रखता है। अगर 6 साल अगर बच्चे पढ़ते भी है ना, तो बहुत आगे निकल जाते हैं। 10th के बाद का पढ़ाई ले लो आप, बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन जब अगर 6 साल अगर किसी को दे रहे, 6 साल तो फिर भी मुझे कम लगता है। जब मैं बाकी आर्टिस्टों के बारे में सोचती हूँ कि जिन्होंने 20-25 साल दे दिया, उन लोगों के साथ मतलब क्या होता होगा। हम लोग तो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्यों, जबकि हमारा फैमिली नहीं है, शादी नहीं किया है हम लोगों ने, लेकिन जिन लोगों का फैमिली और जिनका घर द्वार सब कुछ इसी से चल रहा है, उन लोगों के ऊपर क्या बीतता होगा। वो अपना पर्सनल प्रॉब्लम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते।
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा हमारे लिए। आप इस फील्ड के लिए क्या चाहते हैं कि सरकार किस तरह से हेल्प करें? सरकार से मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वो आर्टिस्ट फंड दे, और फिर मूवी के लिए मूवीज़ जो यहाँ पे बनती है, क्योंकि अगर वीडियोज़ एल्बम्स की बात करूँ तो वीडियोज़ एल्बम्स यहाँ पे बनती ज़रूर है, जिसमें सिर्फ यूथ ही काम कर पाते हैं, लेकिन आर्टिस्ट तो हर एज के होते हैं ना, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, मतलब हर एज के होते हैं, तो हर कोई तो वीडियोज़ एल्बम्स में वर्क नहीं कर सकता है। तो मूवीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बननी चाहिए, जिसके लिए हमें यहाँ प्रॉपर स्क्रीन मिलना ज़रूरी है। तो बस मेरा यही मांग है, और मैं ये मांग सारे आर्टिस्टों के तरफ से कर रही हूँ, और आने वाले अपकमिंग जनरेशन के लिए भी कर रही हूँ। तो ये थी हमारे साथ झारखंड की फेमस एक्ट्रेस और मॉडल एंजल लकड़ा जी, जिन्होंने अपनी बातें सरकार तक पहुँचाने की कई बातें रखी हैं। झारखंड से जुड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स।